लोग कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती। सो व्हाट्सअप गाइज, आज की इस वाले वीडियो के अंदर हम आपको HDR स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाले हैं। सो देख सकते हो गाइज, मेरे इस वाले वीडियो में आपने कितना ज़्यादा कमेंट किया है कि भाई HDR इफेक्ट कैसे लाएं, HDR इफेक्ट कैसे ऐड करें, कैपकट में HDR इफेक्ट कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। देख तो गाइज, बहुत सारा कमेंट आप लोगों ने किया है और सबका रिप्लाई मैंने किया है। जिसका रिप्लाई छूट गया है गाइज, उसके लिए सॉरी, लेकिन उसी पर आज वीडियो एडिटिंग करना बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो फटाक से लाइक कर दीजिए। तो गाइज, हम आ गए हम मोबाइल के होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कैपकट एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको पता ही होगा एक VPN को कनेक्ट करना होता है। तो मेरे पास टर्बो VPN है, इसका नाम है टर्बो VPN, और इसको मैंने जस्ट ओपन करके यहाँ पे टैप टू कनेक्ट पे क्लिक किया और देख सकते हो यहाँ पे गाइज प्रोसेसिंग ले रहा है और यहाँ पे हमारा कनेक्टेड हो चुका है। देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारा सेकंड भी चल रहा है, ठीक है। तो VPN से पहले कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा और कैपकट एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, बेस्ट वर्जन वाला, जिसमें HDR इफेक्ट और सभी प्रो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, कैपकट एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करना होगा और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद गाइस क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना होगा जिस वीडियो में आप HDR इफेक्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमें इस वीडियो में HDR इफेक्ट लगाना है तो हम इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब गाइस क्या करना होगा, एडिटिंग वाले टाइमलाइन पे आने के बाद गाइस सिंपली आपको क्या करना होगा, इसका यहाँ पे सीन चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसका एडिटिंग वाला रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस एडिटिंग करने में आसान होगा, सभी टूल्स आपको अच्छे से दिख जाएंगे, ठीक है। तो हमें HDR इफेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट लगाना है गाइस, ध्यान रखिएगा, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। वीडियो इफेक्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको देख सकते हो गाइस, सभी में प्रो लिखा हुआ आ रहा है, सभी इफेक्ट में आपको प्रो लिखा हुआ आ रहा है। ये तभी आएगा जब आप मेरा वाला कैपकट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तीस पार्ट को स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे एक लेंस का ऑप्शन दिखेगा, लेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और यहीं पे गाइस आपको HDR1 और HDR2 का ऑप्शन दिख जाता है और शार्पन का भी, ठीक है। स्मार्ट शार्पन का सबसे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा और HDR2 का यहाँ पे देख सकते हो गाइस, और HDR1 भी होगा कहीं पे। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे HDR1 है। तो HDR को सिंपली हम एडिट करने वाले हैं HDR में, और देख सकते हो गाइस सभी में प्रो लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे कैपकट एप्लीकेशन का, ठीक है। अभी मैं फिलहाल ही लिंक देने वाला हूँ आज ही, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए मैं HDR पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो HDR पर जैसे ही एक बार क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हो गाइस, जस्ट एक क्लिक में आपका वीडियो पे HDR इफेक्ट लग गया है। और इसको एडजस्टिंग करना होगा तो फिर से इसी पर क्लिक करना होगा और इसी पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस टाइप का टूल खुल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, रेंज को एंड ग्लो को जीरो कर देना होगा और फिल्टर को आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो हम 100 रख दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस क्या करना होगा, एंटिसिटी को आप यहाँ से फुल कर दीजिएगा यदि ज़्यादा हार्ड HDR आप करना चाहते होंगे तो, ठीक है। तो HDR को यहाँ पे हम सॉरी गाइस, एंटिसिटी को फुल करके यहाँ से अमाउंट को भी फुल कर देंगे। अब गाइस क्या करना होगा, साइज़ को यहाँ पे गाइस आप जीरो भी रख सकते हो, जीरो रखिएगा तो बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पे गाइस 30 या 20 के आसपास रख देता हूँ, ठीक है, जस्ट आपको दिखाने के लिए, डेमो के लिए गाइस। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो हमारा एक क्लिक में HDR इफेक्ट लग गया है। थोड़ा सा एडजस्टिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। HDR इफेक्ट लग जाने के बाद यहाँ से कर देना होगा डन। सो अभी मैं दिखाता हूँ गाइस बिफोर एंड आफ्टर वाली मशीन, ठीक है। देख सकते हो गाइस ये बिफोर है, ये आफ्टर है। सो बिफोर एंड आफ्टर में किस तरह से फर्क हो चुका है, यानी कि HDR इफेक्ट जस्ट एक क्लिक में लग गया है गाइस। आप भी कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, अपने वीडियो में HDR इफेक्ट लगा पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस लेयर को पकड़ना होगा और फुल वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो इसका फुल वीडियो में सेट हो जाएगा HDR इफेक्ट। अब गाइस यहाँ से दोबारा बैक जाना होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और फिर से इसी पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टिंग करना चाहते होंगे तो कर लीजिएगा, एडजस्टिंग कर लीजिएगा तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, एडजस्ट वाला ऑप्शन पे जाना होगा, नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो एडजस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। एडजस्ट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ से एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाइएगा, यानी कि 5 या 10 के आसपास बढ़ा देना होगा, ठीक है। एक्सपोजर का ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं इसे 10-12 पे आसपास बढ़ा देता हूँ। और शार्पन को गाइस यहाँ पे आपको बढ़ा देना होगा 50 के आसपास और यहाँ से कर देना होगा डन। सो गाइस फाइनली हमारा एकदम 4K अल्ट्रा HDR वीडियो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब गाइस यहाँ से बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे और देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो में HDR इफेक्ट लग गया है, हमारा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस इसी तरह से आप भी अपने वीडियो में HDR इफेक्ट लगा सकते हो। सो ध्यान दीजिएगा गाइस, ये नॉर्मल कैपकट एप्लीकेशन में HDR इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, प्रीमियम वाला में देखने को मिलेगा, जो कि मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।